मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अकोला में महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदार उनके साथ में भर्ती रख के इलाज करते हैं और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिश्तेदार मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को हम भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। फिर बाद में जो पेशेंट आते हैं उसमें काफ़ी लोग एंग्जाइटी से परेशान है, चिंता टेंशन, कुछ लोग आते हैं वो डिप्रेशन से परेशान है। जब उनका काउंसलिंग करते हैं तो बातचीत में ऐसा मालूम पड़ता है कि लोग कल में जी रहे। कल, ये कल जो शब्द है कि कल करूंगा या कल क्या हुआ, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। ये खतरनाक जीने का तरीका भी है। लोग पास के चक्कर में, मतलब अतीत में, भूतकाल में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में, मतलब कल जो हुआ उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं और उनको फिर डिप्रेशन का दौरा आता है। कुछ लोग कल के बारे में, मतलब आने वाले कल के बारे में बहुत चिंता करते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा, और उनको एंग्जाइटी होती है, टेंशन हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेस होता है और वो बीमार हो जाते हैं मानसिक तौर पर। लोग कल करेंगे ऐसा बोलते रहते, मतलब वो एक प्रोक्रास्टिनेशन जो है, प्रोक्रास्टिनेशन कि भाई मतलब आगे ढकेलना, टालम टोल करना, कल करेंगे ऐसा बोलना, ये हमारे नस नस में घुसा हुआ है। कुछ भी होगा तो बोलते कल करेंगे, पढ़ाई करना है तो कल करेंगे, एक्सरसाइज करना है, जिम चालू करना है तो कल करेंगे, कुछ नया काम करना है तो कल करेंगे, नए लोगों से कुछ मिलना है तो कल करेंगे, अपने को धंधा बढ़ाने का है, बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ काम करना है तो कल करेंगे, मतलब हमको कल ही करना है जो भी कुछ करेंगे। आप देखो कि आपने, आपके कितने प्लान्स ऐसे पानी में बह गए जो आपने कल करेंगे ऐसा बोला था। आपने सोचा होगा कि खाना आपने अच्छा किताब लाया होगा जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने लाके शेल्फ में रख दिया, अलमारी में रख दिया, कल करें, कल पढ़ेंगे, कल से चालू करेंगे ऐसा आपने बोला होगा। या आपने फॉरेन टूर के बारे में सोचा होगा कि टूर करेंगे, भारत दर्शन करेंगे, फॉरेन टूर करेंगे, और करेंगे, कल करेंगे, मतलब कभी सोचा नहीं कि कब करना है एग्जैक्टली। लोग आज जीते नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम 100 साल जीने वाले। मैं बोलता हूँ बिल्कुल जियो, 100 साल जी रहे ऐसा प्लान करो, 100 साल जीने वाले ऐसा प्लान करो, मगर जियो ऐसा कि आज का पहला और आखिरी दिन है, पहला और आखिरी दिन है, जिना कभी आज, जिना कभी अभी। आप 100 साल भी जियोगे तभी आनंद कब मनाने का है, अभी। 100 साल भी आप जी रहे हैं तभी खुशियां कब मनाने की, अभी। 100 साल भी जी रहे हैं तभी डिप्रेशन कब आएगा, अभी, और चिंता कब होने वाली है, अभी। तो ये जो क्षण है अभी का, जो भी है वो महत्व का है, उसमें हमने जो भी कुछ करना है करना है। तो आज से ये ठान लो मन में कि आपको व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ नई एक्शन लेना है तो आज। आपको प्यार करना है किसके ऊपर और प्यार कर रहे बताने का है तो आज। किसको आपको प्रपोज करना है तो आज। एक्सरसाइज चालू करना है तो आज। कोई किताब पढ़ना चालू करना है तो आज। कोई नई पढ़ाई चालू करना है तो आज। आपको पॉलिसी निकालना है तो आज। आपको कुछ भी किससे बातचीत चालू करना है जो आपने रोक दिया है तो आज। किसे माफी मांगना है तो आज। किसको थैंक यू बोलना है तो आज। सब कुछ जो है वो आज करना है। संत कबीर ने ये बोला है कि मतलब हम जीते कैसे, हम जीते ऐसे हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है यार, जीना है यहाँ परसों। मगर संत कबीर ने बोला है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगा फिर करेगा कब। तो आपको जो भी कुछ करना है वो आज करना है। आज का जो क्षण है वो बाद में कभी आने वाला है नहीं। तो आज से आपने पक्का ठान लेना है कि जो भी कुछ करना है आपने, जो भी मन में ठान लिया है, जो भी आपको करने की इच्छा है, जिसके लिए भी आप वचनबद्ध हो, वो कल का शब्द जो है कल करेंगे वो अपने डिक्शनरी में से, अपने जुबान में से निकाल कर, और समझो कल करना है सामने वाला कि ठीक है कल करेंगे, तो अपने डायरी में लिखो कल करेंगे, तो कल कौन सी तारीख में करेंगे, कितने बजे करेंगे, उसके लिए कब एक्शन की शुरुआत करेंगे, ऐसा उसको पक्का लाओ। सो जब कल करेंगे ऐसा जब भी बोल रहे तो राइट इट डाउन, दिमाग में मत रखो। ऐसा आप करते
तो डेफिनेटली आप जहां भी हाथ डालेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। तो आज से आपका शब्द कल करेंगे बंद, कल करेंगे कभी बोलते हैं तो टाइम डेट वार किसके साथ में करेंगे कब करेंगे सब लिखो, और नहीं तो आज चालू करना है तो अभी आज चालू करना है। तो जीना कब है? आज अभी। काफी सारे लोग ये प्रोक्रास्टिनेशन की जो बीमारी है इससे पीड़ित होंगे। ये ह्यूमन बीइंग की बीमारी है, मतलब ये इंसान की बीमारी है। ये लोगों को शेयर करो, बताओ कि भाई आपको ये बीमारी है, अरे बीमारी से मुक्त होना है तो आज से काम चालू करना है। तो वीडियो आपको शेयर करना है वो भी आज करना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर आप आज ये वीडियो शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैलाओ, लोग ये बीमारी से मुक्त हो जाए। हमारा मिशन है कि भाई व्यसन मुक्त भारत, शक्तिशाली भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, उसमें आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।